ओके सो अगर आपको भी पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आज का वीडियो आप देखते रहिए। आज मैं आपके लिए बेस्ट फेस पैक लाया हूं। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से उसको अप्लाई करना है और कैसे आप पिंपल से दूर जा सकते हो या फिर अपनी पिंपल को दूर भगा सकते हो। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। एवरीथिंग इज डिफिकल्ट हेल्प मी हेल्प यू गर्ल व्हाट यू ट्राइंग टू डू cuz आई डोंट गॉट। तो एज यू कैन सी मेरा फेस अभी कंप्लीटली वेट है और आपको भी अगर ये वाला फेस पैक अप्लाई करना है तो आपको भी वेट स्किन पे ही अप्लाई करना है बिकॉज इसकी जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा थीन है और बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाएगी। इसीलिए इसके पीछे भी कहीं लिखा हुआ है कि जब भी आप अप्लाई करो उससे पहले अपने फेस को ज़रा सा वेट कर लीजिए। अब इसको अप्लाई करना बहुत सिंपल है लेकिन इसके साथ हम बहुत सारी चीज़ें और कर भी सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर हम रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी, बट हाँ इसके अंदर आप रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हो और जिसको नहीं करना वो ना करे। और अच्छी पैकेजिंग के अंदर है ये, मतलब लीकआउट होने का कोई टेंशन है नहीं। सिंपली आपको इतना सा लेना है और जहाँ पे आपकी स्किन है, मतलब मेरे को बियर्ड है तो मैं बियर्ड पे अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, उतने एरिया को कवर कर लो। बहुत अजीब लग रहा हूँ मैं करता हुआ, बट क्या करना पड़ता है। उसको फिर जेंटली मसाज करना है आपको, लगा के छोड़ मत देना, थोड़ा मसाज भी कर लेना इससे। बियर्ड पे लगाने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ी देर बाद फिर जब ड्राई आउट होता है तब इचिंग होने लग जाती है बियर्ड पे स्पेशली, तो फिर मैं आपको मना कर रहा हूँ इसीलिए कि जितने एरिया में आपको बियर्ड है उसमें मत अप्लाई करना। गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कहीं पे भी अप्लाई कर सकते, फेस पे कहीं पे भी। डबल मीनिंग लोग हो गए अगर सब। और बस लास्ट में मैं इतना सा और ले लूँगा, ऐसा लग रहा है कि बराबर लग नहीं रहा। और बस दैट्स इट, मसाज भी कर ली और बस आपको ऐसे फिंगर टिप से मसाज करते करते ही अप्लाई करना है। बस दैट्स इट। अब आपको 15 मिनट्स तक इसको ड्राई आउट होने के लिए छोड़ देना है, 15 मिनट्स बाद हम मिलते हैं। ओके सो 15 मिनट्स हो चुकी और ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। जैसे मैंने आपको से कहा था कि ये वैसे भी बहुत थिन है और ये बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाता है। सो यू कैन सी ये कम्प्लीटली ड्राई आउट हो चुका है। अब हम इसको वॉश कर लेते हैं और फिर देखते हैं एग्जैक्टली हमें किस टाइप के जो है वो रिजल्ट मिले। तो आफ्टर वॉशिंग आपको कुछ इस टाइप की स्किन देखने को मिलती है, जो पहले से बहुत ज़्यादा रेडियंट है, फेयर भी दिख रही है ऑब्वियसली क्योंकि वो मुल्तानी मिट्टी थी, क्लीन दिख रही है और एनर्जेटिक दिख रही है पहले से बहुत ज़्यादा। अब हम बात करते हैं इसको आप कितनी दफ़ा यूज़ कर सकते हो, कितनी बार यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको पर्सनली बताऊं तो मैं इसको वंस अ डे यूज़ कर रहा हूं, मैं रोज़ इसको यूज़ कर रहा हूं और आप चाहो तो आप भी इसको रोज़ यूज़ कर सकते हो। फिर वो डिपेंड करता है आप कितने ज़्यादा सीरियस हो अपनी स्किन को लेकर, कितने ज़्यादा सीरियस हो अपने पिंपल एक्ने या फिर और भी कोई स्किन प्रॉब्लम को लेकर। तो बस मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। आपको भी रिजल्ट पहले अगर आप पूरा वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि पहले किस टाइप की स्किन लग रही थी और अब रेडिएंट लग रही है, एक टाइप से काफ़ी ग्लोइंग इफेक्ट है स्किन के ऊपर। तो मेरे हिसाब से यूज़ करने जैसा तो है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो बस ये इससे सबसे पहले ये जो आपकी स्किन को ड्राई करती है तभी जो सीबम होता है आपके पिंपल के अंदर वो सारा बाहर आ जाता है वो ड्राइनेस के साथ, तो पिंपल जो है वो काफ़ी कम हो जाती है और आपके जो पिंपल मार्क्स है या फिर जो होल्स रह गए वो श्रिंक हो जाते हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरा चैनल, ऐसी और वीडियोज आती रहेगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।